नमस्ते, हरि ओम, नमः शिवाय। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग। आज का एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जी आज के दिन भर में आपके टूवर्ड्स कैसी रहने वाली है। ओके, सो मीन वाइल, जब तक मैं आप लोगों के लिए एनर्जी क्लेंस कर रही हूँ, आपको अपने पर्सन की एनर्जीज में टैप इन करना है। उनकी एनर्जीज में टैप इन करने के लिए 3 बार उनका पूरा नाम आपको रिपीट करना है और उनका जो चेहरा है वो आपको अपने ध्यान में लाना है। ओके, चलिए देखते हैं आज के दिन में आपके पर्सन की एनर्जी आपके टुवर्ड्स कैसी रहने वाली है। ऑल्सो गाइज, दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग, सो आप कभी भी देखेंगे आपके साथ में रेजोनेट कर सकती है। एंड अ जनरल रीडिंग ऑल्सो, जिस तरीके से टैरो रीडिंग्स जनरल रीडिंग होती हैं, दिस इज ऑल्सो अ जनरल रीडिंग। महादेव प्लीज गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी आज के दिन में मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स कैसी रहने वाली है। सबसे पहला मैसेज आ रहा है मुझे प्रपोजल का। ओके, आई कैन सी कि ये इंसान आपको प्रपोज करने वाले हैं या प्रपोजल के बारे में कोई सोच रहा है। तो अगर आप ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हो, डेफिनेटली ये इंसान आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं या आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आज की जो ये रीडिंग है, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और जिनके पर्सन की तरफ से थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। कई लोग ऐसे हैं जिनके खुद की तरफ से भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, एज इन आप दोनों, दो लोग मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही मैरिड हैं और दोनों एक दूसरे के साथ में रहना चाहते हैं या एक दूसरे के साथ में कुछ फ्यूचर अपना क्रिएट करना चाहते हैं। आज इंट्यूटिवली आप लोगों के लिए मैंने गोल्डन कैंडल जो है उसको चूज किया है। ओके, वी हैव लेटर एस। एस से नाम शुरू हो सकता है, पी से नाम शुरू हो सकता है, आई और डी से भी नेम इनिशियल्स जो है वो स्टार्ट हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन सोच रहे हैं या उनके दिमाग में ये थॉट आज के दिन में आ सकता है कि उन्होंने किसी गलत व्यक्ति या किसी गलत चीज़ के ऊपर भरोसा कर लिया है एंड समहाउ उनको किसी चीज़ की पनिशमेंट मिल चुकी है या मिल रही है इस समय पर, एंड दे आर वेरी अपसेट अबाउट इट। उस चीज़ को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट भी हो गए हैं। कहीं से उनके माइंड में आ रहा है कि काश ये सब कुछ ना हुआ होता, काश मैं इन सब चीज़ों को रिवर्स कर पाता या रिवर्स कर पाती, ये एक थॉट ज़रूर इनके माइंड में है। कुछ रिग्रेट, यस, 110% रिग्रेट की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। किसी बात को लेकर के इनके मन में रिग्रेट आ रहा है। एंड द फायर इज टेलिंग अबाउट द पैशन, देर इज अ लॉट ऑफ पैशन, बहुत ज़्यादा पैशन है। ओके, बट अगेन वी हैव द ब्लैक सूट राइजिंग। सो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके कनेक्शन पे अभी भी इविल आई लगी हुई है। गाइज, मैं अब तो आप लोगों के साथ में प्रोसीजर भी शेयर कर चुकी हूँ, प्लीज़ आपको सिर्फ जा कर के वीडियो देखनी है और वो इतना आसान तरीका है, उसको तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। बिकॉज आई कैन सी कि या तो आप लोग रिमूवल कर भी रहे हो और फिर से मे बी नेगेटिविटी जनरेट हो रही है। ये माइंड के थ्रू इनके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जनरेट हो रही है और जिस तरीके की फॉर्मेशंस बन रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आज के दिन में इनका जो ज़्यादा फोकस है वो इनकी लाइफ के जो प्रोफेशनल एस्पेक्ट है उसकी तरफ हो सकता है कि ज़्यादा रहे। अगर ये पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई की तरफ इनका ध्यान रहेगा, जॉब करते हैं तो जॉब की तरफ ध्यान रहेगा, जो भी काम ये करते हैं, जो भी इनका सोर्स ऑफ इनकम है उसकी तरफ इनका फोकस रहने वाला है। ऑल राइट, या अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के बारे में ये सोचने वाले हैं। इनके बहुत सारे, देखो, एंजल्स इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देर इज़ अ मैसेज दैट एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग दिस पर्सन। फरिश्ते इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी बहुत बड़े हार्म से, या इनको ये किसी जैसे खाई में गिरते गिरते बचने वाले हैं। फूल की, ये फूल का कार्ड देखा होगा आप लोगों ने, वो फूल की एनर्जी जो है वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। जल्दबाजी में फैसला लेने वाला हो सकता है कि ये पर्सन है, बहुत जल्दी जल्दी ये अभी सोचा और अभी एक्ट कर दिया, अभी सोचा और अभी एक्ट कर दिया, लेकिन आपको बहुत वेट करवाया है इन्होंने।
आपके लिए बहुत ज़्यादा या आपका बहुत ज़्यादा टाइम इन्होंने कंज्यूम किया है। बहुत सारे लोगों को सॉरी बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कमिटमेंट रिलेटेड इश्यूज भी हैं, जिसके लिए भी मैंने कहा था कि मैं जल्दी एक शॉर्ट वीडियो जो है अपलोड करूँगी, एक शॉर्ट अपलोड करूँगी, उसमें मैं आप लोगों को रेमेडी बताऊँगी किस तरीके से अगर कमिटमेंट चाहिए आपको अपने पार्टनर से तो आप कौन सी रेमेडी कर सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड, एक दो दिन में वो शॉर्ट जो है वो आ जाएगा। एंड वो भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत मुश्किल हो करने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं गाइस जिनकी बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है अपने पर्सन से। लुक एट द फ्लेम। और ये इंसान बहुत ज़्यादा अंदर से जेलस, बहुत ज़्यादा अंदर से नेगेटिव भी फील कर रहे हैं। ये आपसे जुड़ी, आपसे कनेक्शन से जुड़ी वाइब भी इनकी हो सकती है आज के दिन भर में। किसी बात को लेकर के ये बड़े उतावले या बड़े रेस्टलेस हो सकते हैं। मुझे बार बार एक इंट्यूशन आ रहा है, बार बार आप लोगों के लिए जो जनरल इंट्यूशन आ रहा है वो ये है कि काश मैं पास्ट में जाकर के सारी चीज़ें ठीक कर पाता या ठीक कर पाती। तो कुछ तो ऐसा किया है इन्होंने या कुछ ऐसी घटना घटित हुई है जिसको ये रिवर्स करने के बारे में ज़रूर सोचेंगे आज के टाइम में। दैट इज़ अगेन अ कन्फर्मेशन फ्रॉम लॉर्ड शिवा। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर एज आई एम लुकिंग एट द फ्लेम, इट्स लाइक दिस पर्सन वॉन्ट्स टू रीच आउट टू यू। ये पर्सन आप तक किसी भी तरीके से पहुँचना चाहते हैं। अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है इस व्यक्ति के साथ में, नो कॉन्टैक्ट में आप हो, और आप दिन भर अगर सोच रहे हो इस इंसान के बारे में कि कब कॉल आएगा, कब मैसेज आएगा, देन ट्रस्ट मी, सेम जो फीलिंग है वो उनकी तरफ से भी है। हो सकता है कि आप इनको कॉल मैसेज करते हो, ये जवाब नहीं देते हैं क्योंकि इनका ईगो भी जो है वो इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और इनकी लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ये बार बार हर जगह से ये घिरे हुए दिख रहे हैं मुझे। ओके, सो आज का दिन, इनके जो ओवरऑल डे की दिनचर्या की बात करें तो मुझे बड़ा बिजी लग रहा है। ये व्यक्ति जो भी हैं बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं आज के दिन में। एंड इनकी तरफ से जो मैसेज आ रहा है, एक गाइडेंस इनकी तरफ से आ रही है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस पर्सन के साथ में टच में हैं, तो ऑब्वियसली आप डायरेक्टली जा कर के तो उनको नहीं बोल सकते हो कि मैंने टैरो कार्ड रीडिंग में देखा है भाई आपके साथ में ये होने वाला है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारी विद्या पर यकीन नहीं करते हैं, ठीक है, उनकी भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, चलो। लेकिन अगर आप इस व्यक्ति के टच में हो, इनको एक गाइडेंस आप ज़रूर दीजिएगा कि इनके वर्क प्लेस पर कोई इनके लिए जाल बिछाने की कोशिश कर रहा है ताकि ये आगे ना बढ़ पाए। ये ज़रूर जानते होंगे, आप जैसे ही ये जिक्र करोगे, बात करोगे इस चीज़ के बारे में, इनको पता चल जाएगा आप किस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हो, एंड ये सावधान हो जाएंगे, ठीक है। जिनकी बातचीत हो रही है उनके लिए मैं बता रही हूँ, जो अपने क्रश के लिए देख रहे हैं गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के दिन में ये इंसान कुछ बहुत बड़ा स्टेप आपकी तरफ उठाने के बारे में सोचने वाले हैं। या तो ये आपको सीधा मे बी डेट पर आपके साथ में जाने के बारे में सोच रहे हैं, मे बी दे वॉन्ट टू यू नो हैंग आउट विद यू, मे बी दे वॉन्ट टू टेक यू आउट ऑन अ कॉफ़ी डेट, कुछ ऐसा थाट इनके माइंड में है। और कुछ लोगों को मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि एक गिफ्ट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, सम गिफ्ट मे बी आपके पर्सन की तरफ से, हस्बैंड या वाइफ की तरफ से आपको कुछ गिफ्ट मिलने वाला है, कोई सरप्राइज आपको मिलने वाला है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर आज के दिन में आप लोगों के बीच में कुछ ज़्यादा इश्यूज होते भी हैं कुछ लोगों के बीच में, क्योंकि फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, अगर आप लोगों की बातचीत हो रही है गाइस तो ना आर्ग्यूमेंट्स होने के थोड़े चांसेस हैं, तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा। कोशिश कीजिएगा अपनी तरफ से कि आप झगड़ा ना करें या आप जो है बात को ठंडे दिमाग से आप सुलझा लें, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट आप लोगों के बीच में ना हो। लुक एट द फ्लेम। फ्लेम बहुत ही आज की बहुत लंबी बहुत बड़ी फ्लेम है। सो जितना पैशन है उतनी ही ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन को के मन में आपको खोने का डर भी है, उतना ही ज़्यादा जो है ये आपको लेकर के पोजेसिव भी हैं, और बहुत जल्दी से डिसीजन लेने वाले पर्सन है। बड़ी जल्दी से कुछ कुछ भी अज्यूम भी कर लेते हैं, किसी भी अजम्पशन पर भी पहुंच जाते हैं, वो चीज़ आज भी हो सकती है। सो यू योर सेल्फ हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल, आपको अपनी तरफ से भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऑल राइट, ओवरऑल इनकी आज के दिन की एनर्जी चैनलाइज करके देखते हैं।
गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, जो रीडिंग में निकल के आ रहा था कि ये बहुत बिजी रहने वाले हैं आज के दिन में, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बहुत सारे टास्क इनको मिलने वाले हैं। अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है, इस तरीके से इनका दिन जो है वो निकलने वाला है। दूसरा, मैं देख रही हूँ कि किसी चीज़ को देख करके या कोई बात सुन करके जैसे एक इंसान शॉक्ड हो जाता है, तो वो एक शॉकिंग इमोशन में भी आज आ सकते हैं। कोई कोई हैरान कर देने वाली बात इनके सामने आ रही है। मुझे आज के लिए जो डेट क्लिक हो रही है वो 15-16 तारीख क्लिक हो रही है। ये जुलाई के महीने की हो सकती है, या आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो उस ऑनगोइंग मंथ की हो सकती है। 15-16 तारीख क्लिक हो रही है मुझे, विच कैन बी इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपके इस कनेक्शन के लिए। या ये इंसान 15-16 तारीख के बारे में, 15th और 16th ऑफ दी ऑनगोइंग मंथ, जो महीना चल रहा है, उसकी 15वीं 16वीं तारीख के बारे में कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। कोई पर्सन है जो बाय एयर ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ टिकट्स वगैरह बुक करवा रहे हैं, ये चीज़ मैं चैनलाइज कर पा रही हूँ। दूसरा, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान, कई लोगों के पर्सन इस समय पर बैठ करके दे आर हैविंग सम मील, दे आर ईटिंग समथिंग, कुछ खा रहे हैं और दिमाग अभी भी काम में ही लगा हुआ है। ठीक है, कुछ काम कर रहे हैं लेकिन अब नेक्स्ट क्या करना है वो चीज़, उस तरीके से इनका आज का दिन निकलने वाला है। एंड बाय द एंड ऑफ द डे, रात होते होते ये इंसान बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाएंगे, इस हद तक थक जाएंगे कि जैसे गिरते ही, बेड पे गिरते ही सो जाते हैं, वैसे सिचुएशन इनके साथ में आज होने वाली है। तो जो भी ओवर थिंकिंग या ये सब रहेगा ना, ये डे टाइम में रहने वाला है। रात में तो ये पर्सन एकदम रैम स्लीप में जाने वाले हैं। ये इनकी एनर्जी से आज का जो इनकी दिनचर्या है वो मैं चैनलाइज कर पाई हूँ। ओके, सो गाइज, आज की रीडिंग के लिए इतना ही। मैं अगली रीडिंग लेकर के आ रही हूँ क्रश के लिए, क्योंकि रिक्वेस्ट भी आई थी, आप लोगों ने कहा था क्रश के लिए आपको सेपरेट रीडिंग चाहिए, तो सेपरेट रीडिंग आएगी, टैरो कार्ड रीडिंग भी और कैंडल वैक्स रीडिंग भी। सो गाइज, इस रीडिंग के लिए जो मेरा एनर्जी एक्सचेंज है वो ज़रूर देते जाइएगा, विच इज़ जस्ट लाइक। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर।